हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं वीडियो आपके सामने लाई हूँ, ये एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे कुछ व्यूअर्स मुझे कई मंथ से बोल रहे हैं कि प्लीज़ इसके बारे में कोई होम रेमेडी बताइए, और वो है कि किस तरीके से आप अपने हेयर में से जुओं को दूर कर सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके यूज़ करके, यानी घरेलू उपचार बताइए जुओं को ख़त्म करने का सिर में से। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चों के सर में वो स्कूल जाते हैं, एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाती हैं जुएं, बहुत प्रॉब्लम देती हैं, बच्चों से आपके सर में आ जाती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होती है और बहुत जल्दी पैदा हो जाती है हमारे सर में, एग दे देती है अपने, जिसको लीक कहते हैं, और बहुत परेशान करती है। इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आज इसमें ऐसे नेचुरल तरीके बताऊँगी जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और इस्तेमाल करने से आपको इससे ज़रूर छुटकारा मिलेगा। तो ये देखने के लिए मेरी पूरी वीडियो देखिए। साथ ही अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप मेरी नई नई वीडियो रोज़ देख सकें। फ्रेंड्स, होम रेमेडी बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहूँगी जिनको आप थोड़ा ध्यान दें तो आपको जुओं की प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। सबसे पहली ये चीज़ है, आप किसी का भी कंघा, चाहे आपके घर के ही मेंबर क्यों ना हो, यूज़ ना करें। सब लोग अपना कोम अलग रखें, अलग यूज़ करें, क्योंकि इससे जुएँ तो होती ही हैं, साथ में इन्फेक्शन भी होने का डर रहता है, खासकर बच्चों में। साथ ही आप किसी एक दूसरे के कपड़े यूज़ ना करें, जैसे फ्रेंड्स आपस में कपड़े पहन लेते हैं तो इस वजह से भी जुएं हो जाती हैं, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और अपने बालों को क्लीन रखें, क्योंकि जब जुएं हमारे बालों में हो जाती हैं, वो एग दे देती हैं तो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो उनको ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं जो आज होम रेमेडी बताऊँगी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसे यूज़ करने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरी फर्स्ट होम रेमेडी है, फर्स्ट होम रेमेडी के लिए आप एक बोल लेंगे और नारियल का तेल, हल्का गुनगुना नारियल का तेल आप इसमें डालेंगे 2 चम्मच, और इसमें आप ऐड करेंगे 1 चुटकी कपूर यानी कैम्फर। अब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को आप अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे। अच्छी तरीके से मसाज करने के बाद आप इसको रात भर के लिए छोड़ेंगे। इस मिक्सचर को लगाने के बाद आप अपने हेड पे शावर कैप या कोई कपड़ा लगाकर सो जाइए, और सुबह अपना सर शैम्पू से धो लीजिए। इसमें कोकोनट ऑयल और कपूर है, जिसकी वजह से जुएं सफोकेट हो जाएंगी और आसानी से मर जाएंगी। जब आप शैम्पू कर लें तो उसके बाद बारीक वाले कंघा जो आता है उसे अपने सर में करें, और जिससे कि मरी हुए जुएं बाहर निकल जाएं। इसको कम से कम आप हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करें। अब आते हैं सेकंड होम रेमेडी पे। इसमें आपको यूज़ करना है लहसुन यानी गार्लिक। गार्लिक की 5-6 कलियां लेके इसका पेस्ट बना लें, और इसमें ऐड करें 1 चम्मच नींबू का रस। इस पेस्ट को अपने स्कैल्प पे लगाइए और 40 मिनट तक रहने दीजिए। स्कैल्प पे लगाने के बाद आपको अपना सर कवर करके रखना है, और फिर आप शैम्पू कर सकते हैं। ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जुओं को मारने के लिए। इसमें एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, साथ ही इसमें ऐसी सेंसिटिव स्मेल होती है जिसकी वजह से जुएं ख़त्म हो जाती हैं, साथ ही लीकें भी ख़त्म हो जाती हैं। अब आते हैं होम रेमेडी 3। इसमें आपको यूज़ करनी है तुलसी की पत्तियाँ। ये काली तुलसी है, आप चाहें तो हरी तुलसी की पत्तियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ पत्तियाँ लेके इसका पेस्ट बनाइए, और इस पेस्ट को अपने स्कैल्प पे लगाइए।
स्कैल्प पे आप इसको 30 से 40 मिनट तक रखेंगे और कपड़े से ढकेंगे या शावर कैप लगा के रखेंगे जिससे ये सूखे ना। उसके बाद आप अपना सर शैम्पू से धो सकते हैं। ये रेमेडी भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जुओं को ख़त्म करने के लिए। नाउ फोर्थ होम रेमेडी इज वैसलीन पेट्रोलियम जेली। इसको आप अपने स्कैल्प पे लगाइए एक थिक लेयर और उसके बाद शावर कैप, प्लास्टिक बैग या कोई टॉवल रैप करके ऐसे ही सो जाइए। रात भर आप इसको रखिए और फिर सुबह उठ के हॉट ऑयल से मसाज करिए अपने स्कैल्प पे जिससे वैसलीन निकल जाए और फिर आप शैम्पू कर लीजिए। इस मेथड को आपको वीक में एक बार करना है या आप दो बार भी कर सकते हैं। इससे जो हमारे सर में जुएं होती हैं वो सफोकेट होंगी और सर में ही मर जाएंगी। इसलिए जब आप अपना हेड वॉश कर लेंगे फिर आपको अपने बालों में बारीक वाली कंघी करनी है जिससे आप उन्हें आसानी से निकाल सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक रिक्वेस्टेड वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आप और कोई वीडियो की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और अच्छे वीडियोस के लिए। मैं फिर से आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।